रोकड़ा ज्वेलर्स की ओर से वर्ल्ड एनजीओ डे के अवसर पर एसवीके शिक्षण संस्था की सहयोग से स्पेशल चाइल्ड द्वारा बनाए गए हैंडमेड क्राफ्ट चीजों का दो दिवसीय एग्जीबिशन का आयोजन लक्ष्मी नगर स्थित रोकड़े ज्वेलर्स के स्टोर में किया गया है, जिसका लाभ शहरवासी ले, ऐसी अपील भी इस दौरान की गई है। रोकड़े ज्वेलर्स हमेशा ही अपने अनोखे अंदाज के लिए पहचाना जाता है। रोकड़े ज्वेलर्स हर समय अपने ग्राहकों के लिए कुछ नया लेकर आता है, चाहे वो गहने हो या फिर त्योहार हो। इस श्रृंखला में अपने कुछ अलग अंदाज को बरकरार रखते हुए लक्ष्मी नगर स्थित रोकड़े ज्वेलर्स में वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया गया, जिसमें एसवीके शिक्षण संस्था, जो स्पेशल चाइल्ड को शिक्षित कर उन्हें समाज के मुख्य धारा में लाने का कार्य करती है, इनके सहयोग से दो दिवसीय एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। नमस्कार, मेरा नाम गायत्री वात्सल्या है। मैं एसवीके शिक्षण संस्था की फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। वी वर्क ऑन एन ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट इंक्लूजन। आई वर्क फॉर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड अडल्ट्स बाय गिविंग देम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। हमारी एसवीके शिक्षण संस्था में पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्टूडियो भी है, जिसमें हम इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड अडल्ट्स को आई कॉन्टैक्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल बिहेवियर, ये सब भी सिखाते हैं। उसके अलावा हमारी मकसद वही है, इनको एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का राइट दिला दे, जिसके लिए हम उनसे कुछ अलग अलग प्रकार की प्रोडक्ट्स बनवाते हैं। हैंड ब्लॉक प्रिंट में ये ट्रेंड है, तो बहुत अच्छा हैंड ब्लॉक प्रिंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उसके अलावा मैक्रेमे प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं और हम कुछ मिलेट प्रोडक्ट्स भी प्रमोट करते हैं। एज वी ऑल नो, इस साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स करके डिक्लेयर किया गया था, बट हम पिछले 7 साल से मिलेट्स को प्रमोट कर रहे हैं। और इस अलग अलग प्रकार की मिलेट प्रोडक्ट्स, जो मिलेट्स है, मिलेट रवाज है, मिलेट फ्लेक्स है, मिलेट पास्ता है और मिलेट नूडल्स है, इसका लेबलिंग का काम हमारी ट्रेंड इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड अडल्ट एम्प्लॉयज करते हैं। सो वी हेल्प देम टू अर्न समथिंग फॉर देमसेल्व्स टू लीड ए इंडिपेंडेंट एंड डिग्निफाइड लाइफ। इसी मकसद से हम ये काम कर रहे हैं। आज वर्ल्ड एनजीओ डे है, उस अवसर पे रोकड़े ज्वेलर्स ने हमको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिए है, जहाँ पर हमारे बच्चों ने उनके हाथ की बना हुआ प्रोडक्ट्स एग्जीबिशन एंड सेल के लिए लगाए हैं। सो वी आर सो ग्रेटफुल टू रोकड़े ज्वेलर्स फॉर गिविंग दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। इस एग्जीबिशन में स्पेशल चाइल्ड द्वारा बनाए गए हैंडमेड क्राफ्ट की चीजों को रखा गया, जिसका लाभ शहरवासी अवश्य ले। इसके साथ इन स्पेशल चाइल्ड द्वारा यहाँ विविध प्रस्तुतियाँ भी दी गई, जिसमें खास तौर पर रैंप वॉक वाकई काबिले तारीफ था। नमस्कार, मैं अनामिका रोकड़े, रोकड़े ज्वेलर्स से। सबसे पहले तो गायत्री मैम, एसवीके शिक्षण संस्था, इनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और गायत्री मैम का विशेष तौर पे उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि रोकड़े ज्वेलर्स एक बार फिर से एक एनजीओ ग्रुप जो बोलते हैं, वो गायत्री मैम के साथ हमारा जुड़ना हुआ और वो बच्चे जो आम लोगों के साथ नहीं रहते हैं, उनको मैम ने एक प्लेटफॉर्म देने की बात कही और रोकड़े ज्वेलर्स ने इसको प्रस्तुत किया कि नहीं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। उनके साथ रोकड़े ज्वेलर्स जुड़ा, उसके बाद ये प्रोग्राम अरेंज हुआ शुभांगिनी मैम के थ्रू। तो वो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया हम लोगों ने, उसमें बच्चों की ऐसी बनाई हुई बहुत सी हैंडमेड जो प्रिंटिंग है या फिर बैग्स है, हैंडमेड जो सारी चीज़ें हैं वो हम लोगों ने प्रस्तुत किया है यहाँ पर। तो ये 2 दिन का प्रोग्राम है, तो इसके लिए आप ज़रूर रोकड़े ज्वेलर्स विज़िट करिए और उन बच्चों को बिल्कुल आप एक बार अपना जो बेस्ट विशेज है वो ज़रूर दीजिए। बस यही रोकड़े ज्वेलर्स आप लोगों से, नागपुरकर वासियों, BCN के माध्यम से आप उनके तक जा सकते हैं। बस यही कहना चाहूँगी कि ये 2 दिन का प्रोग्राम है, ज़रूर इसमें शामिल होइए। आज के दिन के लिए मैं कहना चाहूंगी, सलाह नहीं साथ दे। इस थॉट में हम आज काम कर रहे हैं। सलाह तो हर कोई देता है, लेकिन साथ देने की चाह कुछ ही लोगों में दिखाई देती है। बहुत सारी प्रोग्राम्स, बहुत सारे आयोजन, बहुत सारे एक्टिविटीज, न जाने हम रोज रोज कितना कुछ देखते हैं। और हमेशा इन चीजों में अग्रसर रहा है और उसने अपने कस्टमर्स और अपनी प्यारी प्यारी सखियों के लिए हमेशा नए आयोजन प्रस्तुत किए हैं। और आज जैसे कि आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं,
इस अवसर पर शहर की गणमान्य अतिथि इस दौरान उपस्थित थी, जिन्होंने रोकड़ी ज्वेलर्स द्वारा आयोजित कार्यक्रम की काफी सराहना की है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज, नागपुर।